हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इंडिकेटर डायग्राम। देखो इंडिकेटर डायग्राम या फिर हम इसको बोल सकते हैं पीवी डायग्राम, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। देखो जैसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपने पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं, जैसे कि एक रूम हो गया या फिर एक बॉक्स हो गया, उसमें गैस है तो वो हमारा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है। अब उसमें कुछ चेंजेज होंगे, ठीक है ना, उस जैसे कि हम कहें बात को कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन के हमने यहाँ पर दो डायग्राम बनाए हैं प्रेशर वॉल्यूम के, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन क्या होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, पहले तो ये समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये इंडिकेटर डायग्राम है जिसको हम पीवी डायग्राम भी बोल रहे हैं, ये हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बताते हैं कि उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि समझो बात को, जैसे मान लो ये हमने कहा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। पिस्टन पता है ना कैसे होते हैं, जैसे पिचकारी में देखें वो ऐसे करते हैं तो पुश करते हैं तो पानी आगे जाता है, वैसे वाला पिस्टन है एक यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, समझ रहे होंगे इतनी बात को। तो यहाँ पर क्या है, गैस है, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। पहली तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स जब पास पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, तो वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है। जब ये लूज़ लूज़ हो जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने कहा कि एक्सपेंशन की कहानी करते हैं, एक्सपेंशन के केस में होगा क्या, ये जो पिस्टन है ना ये ऊपर मूव कर जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगी गैस, एक्सपेंड हो जाएगी, समझ रहे हो। अब वो कैसे होगी, जैसे मान लो इसको हमने हीट अप करा तो उससे क्या हुआ, ये गैस एक्सपेंड हुई, एक्सपेंड होने से क्या हुआ, ये पिस्टन ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर कितना ऊपर चला गया होगा, मान लो ये इस तरीके से बताएं हम, मान लो ये है हमारे पास, ठीक है, और ये जो पिस्टन है पहले यहाँ था ना, ठीक है, मान लो वो यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया पिस्टन, गैस क्या हो गई है, एक्सपेंड हो गई है, ठीक है ना। ये देखो ये एरिया बढ़ गया यहाँ पर, या वॉल्यूम कह देंगे हम, बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गई, गैस एक्सपेंड हुई, इसे बोलते हैं हम एक्सपेंशन, और इसको हम बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, क्योंकि सिस्टम ने कुछ वर्क करा, यानी कि इस गैस ने कुछ वर्क करा तभी तो ये पिस्टन ऊपर गया, वर्क हुआ, किसने किया वर्क, गैस ने किया, वर्क डन बाय द गैस या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम हम इसको बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो, कोई दिक्कत इसमें तो, ठीक है। एक्सपेंशन समझ में आ गई, एक्सपेंड हो रहा है, और एक्सपेंशन में होता क्या है, हमारा वॉल्यूम जो ये हमने कहा पहले वॉल्यूम कुछ था, ठीक है ना, अब ये ऑब्वियस आता है ये तो ऐसे बना दिया, नहीं तो ये होगा कैसे बॉक्स एक्चुअल में बताओ, होगा ये इस तरीके से, है ना, क्यूबिकल ही होता है ना, हमें पता है इस तरीके का बॉक्स होगा, यहाँ पर कहीं इसमें ऐसे पिस्टन लगा होगा, ठीक है ना, ये ऐसे पिस्टन लगा होगा, यहाँ मान लो ये गैस थी इतने में, ये एक्सपेंड हुई तो ऊपर हुआ ये, समझ रहे हो। तो मतलब क्या, एक बॉक्स की शेप तो पता है ना, उस तरीके से हम कह रहे हैं। तो बॉक्स की जब शेप होती है आपको पता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बनाया, ठीक है, तो इसमें होगा क्या आपके पास बताओ, वॉल्यूम होता है इसका, इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। जैसे ये लेंथ हो गई, ठीक है जी, और ये इसकी ब्रेथ हो गई, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, और ये क्या हो गई, जितना भी हुआ मान लो ये इसकी हाइट हो जाएगी, तो ये वॉल्यूम बनेगा ना अंदर। तो ये जो वॉल्यूम है ये कम है, और एक्सपेंड होने के बाद वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जैसे कि मान लो ये V1 वॉल्यूम है, ये V2 है। तो ये एक्सपेंशन का केस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझना है ताकि आपको क्लियर रहे कि ये डायग्राम कैसे बने हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन में V2 ज़्यादा हो गई V1 से, और यहाँ पर पहले मान लो जो प्रेशर था P1, अब प्रेशर हो गया P2। अब देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे क्योंकि जगह कम है, और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे क्योंकि जगह बढ़ गई, तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा प्रेशर 1 है वो ज़्यादा है, और प्रेशर 2 जो है वो हमारा कम है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, जैसे प्रेशर 2 हमारा कम है और प्रेशर 1 ज़्यादा है, ताकि 2-2-1-1 रहे। क्या हुआ एक्सपेंशन में, वॉल्यूम बढ़ा है, क्या हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा है और प्रेशर घटा है, क्लियर है। अब डायग्राम को समझो जरा एक्सपेंशन वाले, फिर हम कंप्रेशन को भी समझेंगे। देखो ये पीवी डायग्राम बनाया एक्सपेंशन के लिए हमने इस तरीके से बनाया, और एरो नीचे की तरफ है। एरो नीचे की तरफ क्या है कि प्रोसेस हमारा ऐसे है, यहाँ से समझने का कैसे, मान लो ये ए पॉइंट पे अभी जो प्रेशर है, जो ये वाला केस है, यहाँ पर पी वन प्रेशर है और वी वन क्या है, वॉल्यूम है, ये वाला केस, ठीक है। मान लो प्रेशर ये हो गया, इस पे यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी और वॉल्यूम इसकी, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ एक्सपेंशन में, क्या हो रहा है एक्सपेंशन में, क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ और वॉल्यूम बढ़ा। देखो ये लाइन ऐसे आ रही है, प्रेशर क्या हो रहा है, देखो कम हो रहा है, इधर से लाइन में देखो ऐसे कम की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होगा, तो यहाँ देखो 5 से ऐसे मान लो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो यानी कि वैल्यू प्रेशर की कम हो रही है, लेकिन वॉल्यूम इस साइड है, देखो ये ऐसे बढ़ रहा है और वॉल्यूम यहाँ होगा 1, 2, 3, 4, 5, ये इस तरफ बढ़ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर जो P2 है और ये क्या है, वॉल्यूम V2 है। इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पर बताओ हमारे पास जो V2 है वो ग्रेटर है V1 से, और जो P2 है वो हमारा कम है P1 से, यही जो बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी एक्सपेंशन के केस में। समझ में आ गया होगा डायग्राम, बिल्कुल ईजी है।
ठीक है, तो ये लिख भी रखा है द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसी को हम क्या बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। और जिसको डायग्राम ये समझ में आता है तो वो समझ जाएगा कि अच्छा ये एक्सपेंशन ना भी लिखा हुआ हो और ये इस तरीके से मतलब एक्सपेंशन तो लिखा होगा, मान लो ये एरो ऐसे लगाया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यूज ना भी दी हो पी1 वी1 पी2 वी2, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर प्रेशर क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा और यहाँ प्रेशर कम होगा क्योंकि एक्सपेंड हो रही है। जब भी एक्सपेंड होगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब बात करते हैं कंप्रेशन की, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहले कंप्रेशन समझते हैं होता क्या है, कंप्रेशन क्या है। जैसे हम कहें ये मैंने यहाँ पर ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम बनाया इस तरीके से मान लो ये, ठीक है, और यहाँ पर ये पिस्टन लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, ये पिस्टन लग गया। अब ये है यहाँ पर गैस, ठीक है, इसमें मैंने बोल दिया ये प्रेशर 1 है इसका और वॉल्यूम भी 1 है, ठीक है। कौन सा केस की बात कर रहे हैं हम, इसमें कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अब जब हम कंप्रेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखना आप क्लियर कट, कंप्रेस हम कैसे कर सकते हैं इसको, बाहर से वर्क करें, पिस्टन को ऐसे प्रेस करें, तो दबाएंगे पिस्टन को अगर तो होगा क्या, यहाँ पर देखो ज़रा, ये दोबारा से बनाता हूँ मैं, यहाँ पर होगा क्या, अब हम पिस्टन को प्रेस कर रहे हैं तो पिस्टन मान लो यहाँ आ गया, ठीक है, कंप्रेस हो ही जाएगी गैस ही है, ठीक है, ये पिस्टन यहाँ आ गया, क्लियर। और गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, जगह कम हो गई, तो यहाँ पर मान लो प्रेशर 2 है और वॉल्यूम 2 है। देखो अब खुद सोचो आप, जब आपने इसको कंप्रेस किया तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, मॉलिक्यूल्स पास पास हो गए, और वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया, तो यानी कि जो पी2 है वो ग्रेटर हो गया पी1 से, लेकिन जो वी2 है वो कम हो गया वी1 से। यानी कि जब आप कंप्रेशन करते हो क्या रहा है, कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसका वॉल्यूम कम होगा वहाँ यानी कि प्रेशर ज़्यादा ही है। और यहाँ पर जैसे हमने कहा एक्सपेंशन में तो क्या हो रहा था, वर्क डन बाय द सिस्टम, और यहाँ क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम या ऑन द गैस, ठीक है। तो कंप्रेशन में क्या होता है हमारे पास, वर्क डन ऑन द सिस्टम या फिर ऑन द गैस, क्योंकि सिस्टम में गैस ही है हमारी। और एक्सपेंशन में क्या होता है हमारे पास, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि इसमें वर्क डन कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, सिस्टम ने फोर्स लगाई पिस्टन को तो वो ऊपर गया, और यहाँ पर सिस्टम पर फोर्स लगाई एक्सटर्नल बाहर से, तो ये क्या हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम या फिर वर्क डन ऑन द गैस, और ये क्या हो जाएगा एक्सपेंशन में, वर्क डन बाय द सिस्टम या फिर वर्क डन बाय द गैस। सिंपल सी कहानियाँ समझने की, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर कंप्रेशन का इंडिकेटर डायग्राम को समझो जरा। अब ये एरो ऐसे डर रहा है तो मतलब स्टडी हमें ऐसे करनी है, तो यहाँ पर ए पॉइंट पे मान लो पी1 है और वी1 है वॉल्यूम, और बी पर क्या है हमारा, पी2 प्रेशर है और वी2 क्या है, वॉल्यूम है। अब यहाँ पर आप क्लियर कट समझो, ऐसे एरो जा रहा है, कंप्रेशन की कहानी है, तो ये प्रेशर देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो प्रेशर की वैल्यू यहाँ ये थी, और ऐसे करते करते ये प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया, पी2 बढ़ गया, पी2 बढ़ गया पी1 से, और वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ कम होगा वॉल्यूम, तो यहाँ पर वॉल्यूम की देख लो, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कम है, तो ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे वॉल्यूम कम हो रहा है, पीछे की साइड आ रहा है वॉल्यूम की वैल्यू, तो यानी कि हमारा जो V2 है वो कम है V1 से। इस केस में ये कहानी बनेगी, समझ में आ गई होगी बात। अब जो ये जो वर्क डन हम कह रहे थे, ये जो वर्क डन अभी यहाँ पर हम समझेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है, लेकिन जो वर्क डन की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, वो किसके इक्वल होती है, एरिया अंडर द कर्व्स। यहाँ पर अगर हम इस तरीके से ये जो शेडिड पोर्शन है इस तरीके से हम बनाएं, यहाँ पर ये वाला ये जो है शेडिड पोर्शन, ये क्या है, एरिया अंडर द कर्व, विच गिव्स यू न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी एरिया की, इसकी वो इक्वल होगी किसके, वर्क डन के, वो भी समझ में आ जाएगा हमें यहाँ पर भी। तो मेन बात याद रखने की यही है कि द एरिया अंडर द पी वी डायग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन बाय अ सिस्टम, बाय अ सिस्टम, ये एक्सपेंशन वाला केस था, बाय अ सॉरी वर्क डन बाय अ सिस्टम, हाँ एक्सपेंशन वाला, सिस्टम ने पिस्टन को ऊपर किया था, ठीक है, या फिर और ऑन द सिस्टम, और ये क्या था, ऑन द सिस्टम था, ये कंप्रेशन वाला ऑन द सिस्टम था। तो दोनों की केस में ही जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको वैल्यू वर्क डन की दे देगी न्यूमेरिकली इक्वल टू, ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी बात, या नहीं बताओ, समझ में आई कहानी, ठीक है। अब ये जो वर्क डन है ना, ये समझते हैं हम कैसे, तो हम यहाँ पर ना एक्सपेंशन का केस कर लेते हैं, कंप्रेशन वाला भी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू हम निकाल रहे हैं, बस वहाँ पर जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो जाता है कंप्रेशन वाले में, वर्क डन जो एक्सपेंशन वाले में क्या होता है हमारा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो पॉजिटिव हो जाता है एक्सपेंशन के केस में, ठीक है, अभी समझ में आ भी जाएगी आपको वैल्यू। देखो जैसे कि हमने इसमें कंसिडर किया एक्सपेंशन का केस है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बनाया यू है, ठीक है, मान लो ये यहाँ पर क्या है, गैस है, ठीक है। अब
एक कंटेनर आपने जो है सिलेक्ट किया और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है उस चीज को समझो जरा। जैसे कि ये बॉक्स ऐसे बनाया हुआ है, वैसे ये बॉक्स है कैसा अगर आप समझोगे इसको, तो ये इस तरीके से है ये बॉक्स एक्चुअल में, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है गैस ऐसे ही बॉक्स में आएगी ना, ये तो डायग्राम बनाने का तरीका हो जाता है कि इस तरीके से बना लो फटाफट से, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इसके बीच में यहाँ पर एक पिस्टन ऐसे लगा होगा, ठीक है, ये गैस होगी इतने पार्ट में, ठीक है। तो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है, इसकी ये लेंथ हो गई, ठीक है, और ये इसकी ब्रेथ हो गई। ऐसे ही होता है कोई भी बॉक्स, उसका पार्ट नीचे वाला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये एरिया है इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बनाना चाहें तो थोड़ा सा अगर मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊं तो ठीक है, तो ये ख़राब ही हो जाएगा सारा, लेकिन समझो बस ये इस तरीके से मैंने थोड़ा 3D शेप दिया आपको। तो ये लेंथ हो गई इसकी, ये ब्रेथ हो गई, ठीक है, इस तरीके का ये बॉक्स है। तो यहाँ पर फ्रिक्शनलेस एक मूवेबल पिस्टन है कि ताकि जब ये गैस एक्सपेंड होगी तो ये अपने आप से मूव करेगा। तो ऑब्वियसली बात है हीट उठ दी है इसको और ये एक्सपेंड करी गैस, तो ये पिस्टन पहले यहाँ था, अब ये यहाँ पहुँच गया। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी, dx की डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। अब जो वर्क होगा, अब ऑब्वियसली बात है हमने इसको जब एक्सपेंशन हुई इसमें तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो यानी कि स्मॉल ही वर्क डन हम कंसिडर करें अगर, तो वो dw से कंसिडर करूँगा। और वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी को पता है क्या होता है हमारे पास, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स देखो बाय द गैस या बाय द सिस्टम फोर्स लगी इस पे, क्योंकि वर्क हुआ बाय द सिस्टम या बाय द गैस, है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम या फिर वर्क डन बाय द गैस हुई। तो यानी कि फोर्स लगाई इसने इस पिस्टन पे, वर्क किया ये ऊपर गया, ठीक है, कितना गया dx गया ऊपर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से लिख देंगे। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, तो पता ही है ना सभी को फॉर्मूला, फोर्स इंटू में क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट होती है वर्क का जो फॉर्मूला होता है। तो स्मॉल वर्क क्यों बोला हमने, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो स्मॉल वर्क डन के लिए हमने ये चीज़ यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब विनो कि जो आपको पता है जो फोर्स होता है, फोर्स वो होता है आपके पास प्रेशर इंटू में एरिया, कैसे, बिकॉज प्रेशर यू नो इज फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स क्या निकलगी, प्रेशर इंटू में एरिया। तो इसको यहाँ पर पुट करो तो देन डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो फोर्स के लिए पी इंटू में ए यहाँ पर हमने पुट करी, ठीक है, इस वाले में पुट कर दी या नहीं, ठीक है। अब प्रेशर एरिया और ये डिस्प्लेसमेंट, अब देखो एरिया, एरिया मैंने क्या बताया था आपको, ये लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी ये, ठीक है, इतना ही पार्ट ये चीज़ ऐसे पूरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एरिया है मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैं अगर यहाँ पर आपको समझाऊँ, ये लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया और मान लो इतनी इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो ये क्या है हमारे पास लेंथ ब्रेथ और ये क्या बन गई, हाइट बन गई। तो लेंथ ब्रेथ इनटू में हाइट क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम होता है। तो लेंथ ब्रेथ और ये हाइट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू में हाइट, और लेंथ ब्रेथ एरिया है तो हाइट, तो वॉल्यूम एरिया इनटू में हाइट हो जाएगी। तो वही चीज़ है, एरिया तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर है ही है जो है, और ये हाइट भी हो गई, ठीक है। तो एरिया इनटू दिस हाइट क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो ए डी एस डी एक्स को क्या बोल सकता हूँ मैं, वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम बोलूँगा मैं इसको, चेंज इन वॉल्यूम बोलूँगा, बिकॉज टोटल वॉल्यूम तो ये है ना, पहले वॉल्यूम ये था, अब टोटल वॉल्यूम ये, लेकिन जो हाइट है हमने वो इतने पार्ट की ली है, ठीक है, तो वॉल्यूम भी यही वाला होगा। तो ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है जो चेंज हुआ, पहले इतना था अब इतना हो गया, लेकिन चेंज कितना हुआ, दिस माइनस दिस, तो इतना, तो ये डी एक्स वाला लिया है हमने इतना वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं डी वी लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में पी इंटू में डी वी लिखूंगा, बिकॉज डी वी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एरिया इंटू में डिस्प्लेसमेंट बोल दो या फिर ये हाइट बोल दो, क्योंकि तीन चीज़ें वॉल्यूम में चाहिए होती हैं, तो एक दो तो एरिया में आ गई, तीसरी ये डी एक्स हो गई। आ रही है बात समझ में या नहीं, बताओ, सिंपल सी बातें हैं, तो क्लियर करिए। ये जो है ना वॉल्यूम समझ में आना चाहिए कि आपको एरिया और एक थर्ड साइड जो हो गई वो वॉल्यूम होता है, ये बहुत यूज़ होने वाला है आपका, बताओ इतनी बात क्लियर हुई। तो डी डब्ल्यू जो हो गया हमारा वो क्या बन गया, हमारा पी डी वी बन गया, क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पर टोटल वर्क डन चाहते हैं, टोटल वर्क डन चाहते हैं, तो कैसे निकलेगा टोटल वर्क डन, बताओ, डी डब्ल्यू इंटीग्रेट कर दो, डी डब्ल्यू और ये हमारा पी डी वी। अब यहाँ पर ऑब्वियस बात है पहले वॉल्यूम वन था, अब वॉल्यूम टू हो गया, जैसे यहाँ पर समझो एक्सपेंशन के केस में वी वन था, फिर इंक्रीज हो के वॉल्यूम टू तक गया, ठीक है। तो इस पूरे का वर्क डन हमें निकालना है ना, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे यहाँ पर वी वन से वी टू,
ठीक है, और ये जीरो से डब्ल्यू, तो ये टोटल वर्क डन जो होगा हमारा वो ये बन जाता है पी इंटू में डी वी, वी वन से वी टू इसकी इंटीग्रेशन। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ये वर्क डन निकल गया, और ये वर्क डन ही क्या होता है हमारा, एरिया अंडर द कर्व होता है, और डी डब्ल्यू वाला क्या होता है हमारा, स्मॉल एरिया होता है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर ना एरिया की कहानी आपको बताता हूँ। देखो जैसे ये तो चीज़ें पता चल गई ना आपको, एक्सपेंशन में क्या होता है वर्क डन बाय द सिस्टम होता है या फिर बाय द गैस होता है, और कंप्रेशन क्या होता है वर्क डन जो होगा ऑन द गैस या फिर ऑन द सिस्टम होगा, है ना, ये तो चीज़ें आपको पता चल गई। अब मैं ये समझाता हूँ एरिया को हम कैसे यहाँ पर सोच सकते हैं। देखो जरा एक्सपेंशन वाला यही डायग्राम मैं ना यहाँ पर दोबारा बनाता हूँ एक बार। देखो ये हमारे पास V है और ये क्या है हमारे पास प्रेशर है, तो इस तरीके का बना था ये हमारे पास, ये A था, ये B था, ये हमारा P1 था, ये V1 था। ठीक है, एक्सपेंशन की कहानी कर रहे हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था हमारा P2 और V2 था। ठीक है, जिसमें हमें पता है V2 क्या है हमारा, ज़्यादा है V1 से, V2 is greater than V1 है। वैसे तो हमें पता है कि P2 हमारा क्या है, कम है as compared to P1। ठीक है, प्रेशर कम होता है जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन बात है वो समझो। जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपको, इसमें स्मॉल वर्क डन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मान लो ये इतना पार्ट ले लिया हमने, अब ये इतना कंसीडर कर रहे हैं हम कि प्रेशर इसमें नॉर्मली सेम रहा उतने स्मॉल वर्क डन के अंदर, क्योंकि तभी हमने ये पी लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, स्मॉल वर्क डन के लिए मान लो ये प्रेशर सेम रहा, ठीक, स्मॉल वर्क डन के लिए। ठीक, तो ये प्रेशर की वैल्यू तो यहाँ मान लो पी हो गई, और यहाँ पर जो वॉल्यूम की वैल्यू होगी वो अलग होगी, है ना, वॉल्यूम की वैल्यू अलग होगी। मान लो यहाँ पर पाँच है, यहाँ मान लो ये सात है वैल्यू, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना इस साइड। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेवन माइनस फाइव टू, यानी कि ये डी वी बनेगा, चेंज इन वॉल्यूम बनेगा, समझ रहे हो या नहीं? अब देखो यहाँ पर समझना इस बात को, ये हो गया पी, पी और ये हो गया डी वी, लेंथ इंटू ब्रेथ, पी इंटू में डी वी, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या बन गया हमारा एरिया, और जो कि पी डी वी ही हमारा क्या है, डी ए बोल देंगे सॉरी इसको। ठीक है, स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया हो गया ना ये वाला। ठीक है, और डी डब्ल्यू, यही तो डी डब्ल्यू था, पी डी वी यहाँ से देखो आपके पास डी डब्ल्यू पी डी वी था, इसीलिए मैंने इसको डी ए लिखा, ताकि आपको समझ में आए, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ प्रेशर और वॉल्यूम, ब्रेथ क्या हो गई हमारा, चेंज इन वॉल्यूम, डी वी हो गया। क्लियर है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो ये है हमारा ए और ये बी, ठीक है, और ये है सी और ये है डी, तो इसमें मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि ए बी और सी डी तो है इक्वल, जो कि है पी, और ये जो बी सी है हमारा, दिस इज डी वी, तो एरिया क्या बनेगा यहाँ हमारा, ए बी मल्टीप्लाई में बी सी या फिर सी डी मल्टीप्लाई में बी सी, तो ए बी क्या है पी और बी सी क्या है डी वी, दिस इज एरिया और जिसको हम स्मॉल एरिया सॉरी, ठीक है, और यही डी डब्ल्यू बनेगा। स्मॉल एरिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्मॉल के लिए बात हो रही है ना यहाँ पर, तो स्मॉल वर्क डन। अब पूरे के बात करेंगे, जब हम ये पूरा कंसीडर कर रहे हैं, ये पूरे का शेडेड पोर्शन आ रहा है, तो यही ये चीज़ में क्या होगा, ये डी ए निकला ना हमारा, ठीक है, डी ए निकला पी डी वी, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, ये एरिया इज इक्वल टू में पी डी वी, इंटीग्रेशन यहाँ कहाँ से चलेगी, वी वन से वी टू चलेगी, इंक्रीजिंग में जा रहा है वी वन से वी टू। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? ठीक है ना, अब देखो जरा, अब जब भी इसकी इंटीग्रेशन होगी, ठीक है, अगर ये एरिया हमने इस तरीके से लिखा है, तो ये टोटल एरिया का यही टोटल वर्क डन होगा, तो यहाँ पर भी टोटल वर्क डन यही आ रहा है, पी डी वी, वी वन से वी टू। समझ में आ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो जो मैं समझा रहा हूँ? ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि हाँ ये कैसे हमने एरिया बोला है इसको यहाँ पर, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं बताओ? क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में अगर आपके आ गई कि वर्क डन ये है हमारे पास, ठीक, तो जो मैं आपको कह रहा था ये तो एक्सपेंशन का केस था, अगर कंप्रेशन का केस होगा तो उसमें भी यही होगा, लेकिन बस यहाँ पर जो V1 से V2 है, इसमें तो V1 कम है हमारा, V2 ज़्यादा है ना कंप्रेशन एक्सपेंशन के केस में, तो जब भी इसकी इंटीग्रेशन सोल्व होगी ना, तो यहाँ लिमिट ऐसे आएगी, ये V2 V1, तो ये V2 अंदर जाएगा, V1 इस तरीके से आएगा, और V2 ज़्यादा है, V2 क्या है इस केस में, ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो वर्क डन बाय द गैस या बाय द सिस्टम जो होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन जब हम बात करें किसकी, कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन में क्या होगा, ये V1 ज़्यादा होगा और V2 कम होगा, तो इंटीग्रेशन तो ऐसे ही चलेगी। तो जब आप इंटीग्रेशन करके यहाँ V2 आएगा, यहाँ V1 आएगा, तब जब V2 माइनस V1 करोगे, तो ये V2 तो कम है और V1 ज़्यादा है, तो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो जो कंप्रेशन के केस में हमें वैल्यू मिलती है वर्क डन की, तो या फिर हम बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, या फिर वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम या फिर वर्क डन ऑन द गैस जो होता है उसमें नेगेटिव होता है वर्क डन।
ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो इन चीज़ों को। तो समझाने की बात थी कि जो है ना डिफरेंस क्या है एक्सपेंशन और कंप्रेशन में, क्योंकि बच्चे कम से ज़्यादा वर्क डन बाय एक्सपेंशन तो दिया हुआ है बुक्स में, कंप्रेशन की कहानी नहीं बताई, तो वो सेम ही है क्योंकि, ठीक है ना, ऐसे ही निकलना है सब कुछ। तो बस एक चीज़ आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो मेन है एरिया कैसे हम सोच पा रहे हैं कि जो एरिया अंडर द कर्व है उसकी वैल्यू और जो वर्क डन की वो सेम होती है, तो वो आपको समझ में आ गई होगी यहाँ से कि एक ही चीज़ है, कैलकुलेशन एक ही तरीके से हो रही है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही आएगी या नहीं, क्लियर है इतनी बात बता दो, समझ में आई कहानी, बिल्कुल ईजी थी। तो ये कर लेना इंडिकेटर डायग्राम और ये जो हमने बात करी है वर्क डन, ठीक है। यहाँ एक्सपेंशन की बात करिए, कंप्रेशन की भी सेम ही है, ठीक है, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन है ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी दूँ वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ठीक है, क्लियर कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।